ये वाला शेयर कौन सा है। थोड़ी देर में आएगा ये शेयर, इस काउंटडाउन के ऊपर फोकस करिएगा। तब तक दीवान साहब को जोड़ लेते हैं। दीवान साहब मुस्कुरा रहे हैं, दीवान साहब ने भी रक्षाबंधन पे बहुत शानदार पिक्स हमारे सामने पेश किए थे। दीवान साहब स्वागत है। तो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है भारतीय बाजारों में, क्या गजब की रैली हो रही है अब 11,300 के पास। बताइए आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को इस समय। गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून एमन, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून आशीष, बोथ आशीष एंड राजेश। देखिए बहुत बहुत सिंपल चीज है, जो मार्केट में जो माहौल बना है उसमें अब आपको रिलायंस या एचडीएफसी बैंक या बजाज फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ रही है। वनस्पति ये भी है कि जो मिड कैप्स हैं, जो जो ब्रॉड बेस्ड मार्केट है, वहां पे जिस टाइप की रैली दिख रही है और जो बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है उसको देख के लग रहा है कि शायद इंडिसेस धीरे धीरे 11,500 को टच करें या टेस्ट करें, लेकिन जो एक्शन है वो भरपूर रहेगा। और रिजल्ट सीजन जिस बेखूबी से मार्केट ने डाइजेस्ट किया और एक्सेप्ट करें, ऑफकोर्स इकोनॉमी अभी तक शेप में नहीं है मैं ये भी मान रहा हूं, लेकिन मार्केट जिस चीज को देख रहा है वो ये है कि एक उम्मीद है, एक होप है। और इस मार्केट में जैसे आपने भी कहा कि बिना ऑप्टिमिज्म के आप पैसा बना ही नहीं सकते। अगर आप निराश होके मायूस होके बैठे रहेंगे कि कुछ नहीं हो रहा था, और हम लोग आके सब चीजें बताते रहेंगे, दिन में 7, 8, 10, 20 चीजें आती हैं, उसमें से आप सिलेक्टिवली कहीं ना कहीं तो आपको क्वालिटी अच्छी दिखे जहां वहां इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे बनेंगे। और जैसे आशीष ने कहा रक्षाबंधन के टाइम कितने, अभी कुछ समय ही हुआ है, इट्स नॉट इवन मोर देन, इट्स जस्ट अबाउट अ वीक, एक हफ्ता हुआ है। और आप देखिए कुछ स्टॉक, मैंने फाइजर का नाम लिया था उस टाइम 4400 से नीचे था इनफैक्ट, और आज जिस टाइप का फार्मा में मूव आया है इसमें भी ऑफकोर्स आया है, और ये तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। बट ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, न्यू ट्रेडर हो, न्यू इन्वेस्टर हो, हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। तो ये वैसी मार्केट है जो सबको खुश रख रही है, और सिर्फ जो जो दुखी शायद है वो सिर्फ शॉर्ट सेलर्स हैं। तो अगर आपने कहीं शॉर्ट किए हैं और आपको एक्सपेक्टेशन थी कि नीचे मार्केट करेक्ट होगा, यस आप उसमें वो थोड़े वो हो सकते हैं, लेकिन न्यूज फ्लो के हिसाब से चलिए और रिएक्शंस देखिए। और कहीं जहां नेगेटिव न्यूज आती है वहां न्यूज डाइजेस्ट, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दूंगा, टाटा कंज्यूमर हमने बात की थी, रिजल्ट्स अच्छे आए, आशीष चतुर्वेदी भी बहुत उस पर पॉजिटिव थे, मैं भी पॉजिटिव था, पर रिजल्ट्स के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आया, एक छोटा सा दौर आया उस दिन थोड़ा सा हल्का, और वहां से उसने फिर जो चाल दी आपको, आज देखिए सर जो 400 रुपए वाली चीज है वो 525 के आसपास। सो जो क्वालिटी है मार्केट में वो अभी भी विदिन रीच है, विदिन ग्रास्प है, आपसे दूर, मतलब ऐसी चीज नहीं है कि ये क्वालिटी वाली चीजें बहुत महंगी हो गई है या आप उसको नहीं छू सकते, लेकिन खोज करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, इट इज नॉट ईजी कि कुछ भी ले लें। और फार्मा में खास करके मैं कहना चाहूंगा कि जिस टाइप की रैली वीरेंद्र भी कह रहे थे, आज स्क्रीन इतनी प्यारी लग रही थी कि फार्मा जिस हिसाब से चल रहा था, क्योंकि फार्मा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लिस्टेड कंपनीज इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ, लोगों को सिर्फ एक ही सलाह है कि डोंट गेट ट्रैप्ड, आप फंस ना जाएं। जो 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 फार्मा कंपनीज का बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत नहीं है, जो एपीआई सिर्फ 8-10% बनाती है उसको लेके बैठ जाएं और सोचें ये भी डिवीज बन जाएगा कल का, तो ये नहीं होता। तो आप थोड़ा सा क्वालिटी कॉन्शियस रहिए, बिजनेस से समझिए, यूनिकनेस समझिए, और उसके बाद लीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए कि आप रह गए, डिवीज चला गया, सिप्ला चला गया, अपने हाथ से सब कुछ चला गया, लॉरस चला गया, तो हमने कोई ऐसी चीजें ले ली जो सुनी नहीं थी या बहुत ज्यादा जिसका चलन नहीं है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करिए। बट अदरवाइज आई थिंक मार्केट बहुत बढ़िया वो दे रहा है। और डिफेंस देखिए, आज से 3 हफ्ते पहले हेमंत आपने, हम लोग ने डिस्कस बहुत डिटेल में किया था जब लक्ष्मण ने बताया डिफेंस के लिए हो रहा है, भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज में वो उस टाइप की जान है। सो नए पॉकेट्स आपको मिलते रहेंगे, डोंट इग्नोर दैट, न्यूज फ्लो को इग्नोर मत करिए, हर चीज जल्दी हो रही है, जो होती थी उससे पहले हो रही है, तो समय से पहले उम्मीद से ज्यादा वाला मामला है यहाँ, उसको छोड़िए नहीं। रक्षाबंधन पे जब फाइजर बोला उपहार स्वरूप, उस दिन करीब करीब भाव इसका ट्रेजेक्ट्री में था 4200, और अब जन्माष्टमी आ गया है, आज सुबह 4800 का लेवल लगा के आ चुका है। ये जन्माष्टमी की कोई पिक दीजिए अभी, दीजिए क्लोजिंग के लिए, कल तक के लिए, परसों तक के लिए। जब इपका बोला था लोगों को इंटरेस्ट नहीं आया क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी ग्लैमरस स्टॉक, टॉरेंट फार्मा बोला था इट इज नॉट अ वेरी ग्लैमरस स्टॉक, बट फार्मा में अगर आप किसी को लेना है और थोड़ा सा लंबे समय के लिए प्लीज इसको वो करेंगे, सिंजीन इंटरनेशनल, सिंजीन इज अ बिजनेस जो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट जो पड़ाव है, जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है, वो बायोलॉजिक्स का रहेगा, बायोसिमिलर्स का रहेगा, और जिस हिसाब से इस कंपनी ने अपनी पाइपलाइन बनाई है, और अगर चार्ट पे भी देखें तो चार्ट पॉजिटिव है लेकिन चला नहीं है, तो दोनों साइड से डेटा भी आपको उसमें सपोर्टिव मिलेगा, और ये थोड़ा सा जन्माष्टमी टू
दिवाली भी अगर आप देखें तो एज अ ट्रेडर भी आपको शायद अपसाइड मिल सकती है और अगली जन्माष्टमी भी आप अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सके, इतना भी इसमें दमखम है। बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रखिए, ये बाकी फार्मा स्टॉक्स की तरह नहीं, शॉर्ट टर्म में शायद ना भी चले। जितने बताया कि स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है और बेस प्राइस जो है वो बहुत डेविएट नहीं करेगा सीएमपी से, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी आईसीआईसीआई बैंक पर इस वक्त? अच्छा एक और चीज है इसमें, आईसीआईसीआई बैंक ने अभी बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ में वो कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, अभी भी ये 350 के बेस के आसपास बैठा है, इस मद्देनजर आईसीआईसीआई बैंक पर आपकी राय? नहीं, इसमें बहुत सही आपने जो लास्ट पॉइंट छेड़ा है उससे शुरुआत में करूंगा और फिर क्यूआईपी के ऊपर भी एक वक्तव्य मेरा दूंगा। आईसीआईसीआई बैंक एज कम्पेयर टू एचडीएफसी, आप देखिए सब इन सभी के पास, इन दोनों बैंकों के पास सारे कारोबार हैं, क्रेडिट कार्ड का कारोबार है, ब्रोकिंग का कारोबार है, इंश्योरेंस का कारोबार है, लाइफ नॉन लाइफ और ऑफकोर्स एसेट मैनेजमेंट का कारोबार है। अब ये सारे कारोबार में अगर आप देखें, एचडीएफसी ने पहल करके इसको काफी मोनेटाइजेशन पहले करा है, आईसीआईसीआई बैंक का मोनेटाइजेशन थोड़ा सा लेट हुआ और कम मात्रा में हुआ है, जो जितना परसेंटेज स्टेक बेच सकते उतना पूरी तरह से इन्होंने नहीं बेचा, विच मीन्स दैट अभी भी इसमें वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत ज्यादा जगह है। सो मेरा मानना ये है कि आईसीआईसीआई एज अ स्टॉक अगर आप देखें, और बाय द वे आई शुड पॉइंट आउट कि ग्लोबली नंबर टू स्क्रिप है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एनालिस्ट के बाई कॉल्स हैं, तो एक कंसेंसस बाई होने की वजह से हर एक ब्रोकिंग हाउस ने एनालिस्ट ने कॉल बाई का दिया हुआ है अलग अलग टारगेट्स के साथ ऑफकोर्स, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसके अंदर बाइंग का जो इंटरेस्ट है वो कम आया है जो बाकी बैंकों में आया और हमने तेज रफ्तार से बढ़त देखी, तो इसका कंट्रीब्यूशन कोटा या एचडीएफसी जैसा नहीं रहा। बट अभी भी जगह इसलिए है कि इसके अंदर जो जो सम ऑफ पार्ट्स जिसको हम कहते हैं वो बहुत बढ़िया है, और ये अगर 15,000 करोड़ इस भाव में जुटा सकते हैं वीरेंद्र, इनकी बैलेंस शीट और बुक वैल्यू का गणित अगर आप देखेंगे तो बहुत फेवरेबल बन जाएगा, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इस क्यूआईपी के बाद ये एक दौड़ लगाना शुरू करें और फुल हार्टेडली निफ्टी बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट करें। सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव और डोंट वेट कि ये इसमें भाव गिरेगा, क्यूआईपी आने वाला है, इस बार कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं और आप शायद रह जाएंगे अगर लेट हो गए तो। तो जब इतने लोग लेने रेडी है तो हमें भी इसके अंदर अगर अगर इंटरेस्ट है बैंकिंग में एलोकेशन करने का तो ये कर देना चाहिए, समय से करना चाहिए। आपने तो देखिए इससे घबराए जा रहे हैं एलएनटी डिफेंस के एक्सपर्ट, ये तो बहुत ही काम की बात कह रहे हैं कि अभी तो 100 में से 30 उपकरण ये बना सकते हैं और ये पहली लिस्ट है, ये आखिरी लिस्ट नहीं है, और ये बात खुद राजनाथ सिंह साहब ने अपने ट्वीट में कही है। डॉक्टर साहब राजनाथ सिंह साहब का वो ट्वीट भी प्लीज एक बार सबको दिखा दीजिए, वैसे हमने सुबह भी दिखाया था लेकिन जस्ट जिन लोगों ने नहीं देखा। ये बताइए डिफेंस सेक्टर क्या एक बढ़िया सेक्टर है आपके लिहाज से, और इसमें से कई स्टॉक्स 52 वीक हाइज ऑल टाइम हाइज लगाते जा रहे हैं, आपके फेवरेट्स क्या हैं ये भी बताएं। हेमंत देखिए जो एलएनटी में जो आज जो चाल आई और बताई राजेश को कि बहुत टाइम से इसको पकड़ा और इसको समझा, वो उसमें दो फैक्टर्स बहुत पॉजिटिवली काम कर गए। एक तो ये जो 101 की जो सूची आई है आइटम्स की, इसमें सबसे बड़ा लायंस शेयर जो है, सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो अगर कोई एक कंपनी वजूद रखती है बनाने की या उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करने की तो एलएनटी है। दूसरी ये 101 इस शुरुआत है, इसके बाद कई और आएंगी और जैसे जैसे हार्डवेयर रिलेटेड चीजें आएंगी और जो फॉजिंग और इक्विपमेंट रिलेटेड चीजें आएंगी आर्टिलरी की लेके, अभी जो आई है वो थोड़ी सी सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट वाली आई है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साइड में झुकाव ज्यादा रहा है। मुझे लगता है एलएनटी का हिस्सा 30% नहीं हो सकता है, 40-45-50% वाली भी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। तो एलएनटी के जो सारा डिफेंस का वर्टिकल है जिसमें बहुत सारे वर्कशॉप्स बहुत सारे पार्ट्स का कामकाज एक साथ होता है, उसमें आप ये मानिए कि जो रेवेन्यू अभी जो एलएनटी का शेयर है उसमें इस रेवेन्यू का श्रेय बिल्कुल नहीं गिना जाता, सिर्फ खर्चा गिना जाता है। अभी तक ये नेगेटिवली पीएनएल को कंट्रीब्यूट करता था और अगर ये हो जाएगा तो अगले 2 साल में ये रीरेट कर देगा सारे स्टॉक को। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज जो 1550-51 का जो हाई था 52 वीक हाई वहां से और इसमें आज का जो फासला है ये इसमें अच्छा खासा एक मोमेंटम जो है ये डिफेंस की वजह से आ सकता है। ऑफकोर्स इसको समय लगेगा, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, कोई शॉर्ट टर्म में नहीं है, लेकिन अंडर वैल्यूड स्टॉक होने की वजह से, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होने की वजह से इसमें तुरंत ही एक जो मूव आया वो राजेश ने पकड़ा जो, और मुझे लगता है अभी भी लेट नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी भी ले सकते हैं। बायो डिप्स वाला स्टॉक है, इग्नोर्ड है, साइडवेज है, कंसोलिडेट हो रहा है,
कोई इसमें आपको ये डर नहीं रहेगा कि हमने ले लिया 950 पे और अब इसका भाव हो गया है वापस 850। इस टाइप का मूव इसमें नेगेटिव साइड पे कम होगा, तो डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, अपसाइड आपके लिए अच्छी खासी बनी हुई रहेगी। ये थीम बढ़िया है वैसे, ऑटो एंसिलरी थीम। दीवान साहब को भी देखिए थीम काफी पसंद थी। दीवान साहब यहाँ पर हालांकि मैनेजमेंट कहते हैं कि अभी एक्सट्रापोलेट नहीं करना चाहिए आपको नंबर्स को, लेकिन कई ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हाईज पर हाईज लगाते जा रहे हैं, क्या गजब की रैली है। और मारुति जैसे शेयरों में तो मतलब हाथ ही नहीं आ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बताइए आपके ऑटोज में पिक्स कौन से हैं, ऑटो एंसिलरी स्टॉक का बुंदेत जी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन ऑटोज में आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं? हेमंत, ऑटो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेटअप बन चुका है, क्योंकि जो मूव आने थे एक रिकवरी वाले रिलेटेड मूव थे वो तो हमने देख लिए, बहुत ही शानदार आए हैं, और मेरी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रिकवरी वाले मूव्स आएंगे मार्केट में। ग्राउंड लेवल रिकवरी को समय लग रहा है, लेकिन उम्मीद के बेसिस पे इसमें काफी लिक्विडिटी आई है और अंडर वैल्यूड थे भी। एक स्टॉक जो अभी भी ऑटो में और रिजल्ट्स भी आ चुके हैं इसलिए एक जिसको कहते हैं प्रश्न चिन्ह आगे नहीं है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और आज जो फाडा का डेटा आया है, जो नए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का डेटा लेके, उसमें उन्होंने एक अंदेशा ये दिया है कि जो ग्रामीण विस्तार में या टीयर टू सेंटर्स में जो बिक्री है या रजिस्ट्रेशन के आंकड़े हैं वो काफी पॉजिटिव है। वो सकारात्मक इसलिए भी है कि वहां पे आपको बाइंग की अभी भी डिमांड बिल्डअप होते हुए दिखी है, और वहां पे उसका जो पैंडेमिक है इसका इतना कहर वहां पे नहीं फैला हुआ जो मेट्रोज में है, बड़े सेंटर्स में है। सो मुझे लगता है जो यूवी सेगमेंट है, बोलेरो और इस टाइप की जो कमांडर और इस टाइप की जो गाड़ियों का इस्तेमाल है, ये ट्रांसपोर्टेशन इनफॉर्मल फॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, वहां पे उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। और उस सेगमेंट में कोई कम्पीट करने वाले टाटा मोटर्स को छोड़ के कोई है भी नहीं। सो मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा के, आप देखिए रिजल्ट्स आए थे, लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हुए थे कि लॉस आया है, ये है वो है, लेकिन वहां से भी 30 रुपए बढ़ चुका है आज। सो आई थिंक अभी भी उसमें गुंजाइश है लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, ऑफकोर्स उसको लेके रखा जा सकता है, एक टैक्टिकल मूव बन सकता है, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एक पोजिशनल मूव भी है, अपॉर्चुनिटी वहां पे आपको मिल सकती है। दीवान साहब, और टाइटन पर आपकी राय क्या है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, रिजल्ट्स बेक्ड इन है हेमंत, जो डिफिकल्टी लॉकडाउन की वजह से इन्होंने, और ये कंपनी ने बहुत बेखूबी से एक्सपेक्टेशन मैनेज की है इन्वेस्टर्स की, उन्होंने डिस्क्लोजर टाइम से दिए हैं, सब शेयर किया है, तो मुझे नहीं लगता कोई सरप्राइज आएगा इसके अंदर, इट्स मोर ऑर लेस प्राइस इन, एंड गोल्ड का जो मोमेंटम है उसको देखते हुए डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी है, बट मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है फॉर द काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस, जो इसमें जो इम्प्रूवमेंट आना था या आया है वो थोड़ा सा अभी भी इतना नहीं है कि आप इसको 1100 का भाव जस्टिफाई कर पाए इस लेवल पे, बट क्वालिटी है इस वजह से प्रीमियम है, तो आप उसको आप इग्नोर कर नहीं सकते, खास करके इस मार्केट में जब बाकी चीजें भी महंगी हैं तो क्वालिटी वाली चीजें तो महंगी रहेंगी, तो वैसा कोई नहीं है। जाते जाते मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो मार्केट का टेक्सचर है, और ये AGR वर्डिक्ट जो आएगा ये कल हो सकता है, कल का दिन टेलीकॉम पे फोकस ज्यादा रहे, बट अगर आपको इस गिरावट की वजह से AGR की वजह से भारती नीचे मिलता है तो वो एक बाइंग जोन में वापस आना शुरू हो गया, तो मुझे लगता है वहां पे अभी भी अच्छी चीजें डिस्काउंट नहीं हुई है, उसको लिया जा सकता है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। देखिए भारत